सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक एट अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि हम चाहते हैं कि ऐश की 11 एपिसोड की सीरीज में हो। बिकॉज गाइस हमें पता है ये ऐश की लास्ट सीरीज रहने वाली है, हमें इसके बाद बिल्कुल भी पता नहीं कि ऐश के साथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्या दो जो न्यू कैरेक्टर आने वाले हैं उनका मतलब ऐश को उनका राइवल कर देंगे या फिर ऐश को बड़ा कर देंगे या फिर सीधा ऐश को पोकेमॉन यूनिवर्स से गैप कर देंगे, हमें कुछ भी पता नहीं कि आगे क्या होगा। इसलिए गाइस पोकेमॉन फैंस चाहते हैं ये जो लास्ट सीरीज रहने वाली 11 एपिसोड की इसके अंदर कुछ चीज़ें हो, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐश को मतलब जो हम चाहते हैं ऐश करे लेकिन कुछ ही चीजें होने वाली है। सो गाइस बहुत सी चीजें लेकिन उनमें से सिर्फ चार चीजें यानी कि फोर थिंग्स मैं आपको बताने वाला हूं जो कि 11 एपिसोड के अंदर हम देखना चाहेंगे। सो पहली जो चीज है यानी कि फर्स्ट जो थिंग है जो कि हम देखना चाहेंगे 11 एपिसोड के सीरीज में वो है गाइस ऐश के डैड। कैंटो से लेकर गलार तक गाइज ऐश ने बहुत सारे रीजन्स में ट्रैवल किया है लेकिन गाइज कभी भी हमने जो है ऐश के डैड को नहीं देखा। ऐश के मम को हमने बहुत बार देखा है, ऐश भी अपने फादर के बारे में बहुत बार बातें करता है लेकिन हमने कभी भी उसे एनिमे के अंदर देखा नहीं। यार मतलब यार उसकी तस्वीर तक यानी कि उसकी एक फोटो तक हमने नहीं देखी। तो हम चाहते हैं गाइज अगर ऐश का यहाँ पे सफर खत्म होने वाला है, उसकी जर्नी एंड होने वाली है, तो एक बार तो हम ऐश के डैड को देखें। एंड मुझे लगता है ये जो पोकेमॉन की 11 एपिसोड की सीरीज होगी इसके अंदर वो चीज़ हो सकती है, भले ही ऐश के डैड का रिटर्न ना हो लेकिन एटलीस्ट एक कैमियो तो हो सकता है, यानी कि शायद से कैमियो हो या फिर किसी फोटो के अंदर हमें देखने को मिले, या फिर ये भी हो सकता है शायद से ऐश के डैड हमें सिर्फ ऐश की यादों में देखने को मिले, यानी कि ऐश अपनी पुराने बातें याद कर रहा होगा तब शायद से हमें ऐश के डैड के मतलब एक चेहरा तो देखने को मिले। एंड हम चाहते हैं ऐसा हो बिकॉज ये बहुत ही बड़ी मतलब एक मिस्ट्री है ऐश के डैड के बारे में, तो वो सॉल्व होनी चाहिए। एंड सेकेंड जो थिंग है जो कि हम देखना चाहेंगे 11 एपिसोड की सीरीज के अंदर वो है गाइस ऐश को लोग चैंपियन की तरह ट्रीट करें। देखो यार ऐश जो है अलोला का चैंपियन है, मुझे लगा गलार के अंदर वो बहुत ज़्यादा फेमस होगा लेकिन गाइस वो अलोला का चैंपियन होते हुए भी गलार में मतलब गाइस बहुत एपिसोड तक तो किसी को पता भी नहीं था कि ये बंदा अलोला का चैंपियन है। उसके बाद वो दोनों जो बंदे थे उन्होंने बताया तब गो को पता चला, उसके बाद गाइस बहुत बार जिक्र हुआ लेकिन उससे पहले किसी ने भी ऐश को एज अलोला का चैंपियन ट्रीट नहीं किया। वरना आप देख सकते गाइस डियांथा को जो कि कैलाउस की चैंपियन है उसे मतलब वो कितनी ज़्यादा फेमस है यार। ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर है जैसे कि लैंस, वो कितना ज़्यादा फेमस है जो कि अलग अलग रीजन के चैंपियन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं लेकिन ऐश अलोला का चैंपियन था फिर भी वो ज़्यादा फेमस नहीं था। लेकिन अब जो है ऐश बन चुका है वर्ल्ड चैंपियन जो कि मतलब पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का नंबर वन ट्रेनर। एंड गाइस इससे पहले जो लियोन था हमने देखा कि लियोन बहुत ज़्यादा फेमस था, जहाँ जाता था वहाँ उसके फैन थे, लोग इंटरव्यू लेते थे। मैं यही सेम चीज़ देखना चाहूँगा ऐश के साथ। ऐश हमें पता है बहुत हमें पता है अब जो इस सीरीज के अंदर बहुत अलग अलग रीजन में ट्रैवल करने वाला है, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि ऐश मतलब ऐश जो लोग है वो ऐश को घेर ले उसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। एंड मैं चाहता हूँ ये चीज़ जो है 11 एपिसोड की सीरीज के अंदर हो। एंड तीसरी जो चीज़ है जो कि हम चाहते हैं कि पोकेमॉन के 11 एपिसोड के सीरीज में हो वो है गाइस ऐश एंड सरीना मिले। देखो यार कैलोस रीजन के एंड में पता है हमें क्या होता है, सरीना ने जो ऐश को किस किया था यानी कि इनडायरेक्टली उसने उसे कन्फेस किया था लेकिन उसके बाद वो चली गई। एंड उसके बाद से लेकर अब तक ऐश जो है कभी भी ऐश एंड सरीना कभी भी आमने सामने नहीं मिले। लिटरली गाइस पोकेमॉन की जर्नीज में वो चीज़ हुई थी लेकिन गाइस जैसे ही ऐश आया वो बोट में चला गया एंड सरीना मतलब वो बात नहीं कर पाई, यानी कि वो दोनों गाइस मतलब ऐश जो उसके बोट में था इसलिए बोट वहाँ से चली गई, इसलिए उन दोनों को बात करने का वक्त नहीं मिला। लेकिन गाइस हमें पता है ये जो सीरीज होगी इसके अंदर ऐश कैलोस रीजन में भी जाएगा एंड हो सकता गाइस वो सरीना से मिले। एंड अब की बार जब वो दोनों मिलेंगे मैं देखना चाहूंगा कि आगे एग्जैक्टली क्या होगा, यानी कि ऐश का क्या रिएक्शन होगा बिकॉज उसके साथ जो लास्ट में वो चीज़ हुई जो कि उसे कैलोस रीजन के एंड में जो शॉक मिला वो मुझे लगता है गाइस वो अभी भी नहीं भुला होगा। तो गाइस इसके बाद एग्जैक्टली क्या होगा मैं देखना चाहूंगा, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में चीज़ें आगे कैसे बढ़ती है, यानी कि गाइस एग्जैक्टली क्या होगा, ऐश प्रपोज करेगा या फिर नहीं, यही सब चीज़ें मैं देखना चाहूंगा। एंड गाइस ये एक बहुत ही बड़ा एंडलेस टॉपिक है यार, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर ये टाइम स्किप हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसे यूमर्स के अकॉर्डिंग हो सकता है लाइक ऐश एंड सरीना की डॉटर हो, तो ये सब चीजें गाइस शायद से इस सीरीज के अंदर हमें आंसर मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए दैट्स इट, वो दोनों मिलने चाहिए, ये मेरी तीसरी चीज है जो कि हम देखना चाहेंगे। एंड गाइस फोर्थ जो चीज है ना कि फोर्थ जो थिंग है जो कि हम देखना चाहेंगे इस 11 एपिसोड की सीरीज में वो है गाइस ऐश वर्सेस टोबी एच की रीमैच। जी हाँ गाइस मतलब यार सिनो रीजन के बाद से गाइस ये मैच जो हर कोई फैन देखना चाहता है, इसके बारे में कोई भी डिबेट नहीं। देखो यार मुझे पर्सनली जो गाइस टोबी एच को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर माना जाता है बिकॉज उसके पास जो गाइस हमने देखे थे उसके पास दो लेजेंडरी है लेकिन माना जाता है उसके पास 6 के 6 लेजेंडरी पोकेमॉन है। एंड गाइस टोबियस जितना मिस्टीरियस ट्रेनर है ना उससे भी ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है, यानी कि फैंस टोबियस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड हर कोई चाहता है कि एक ना एक बार हमें ऐश वर्सेस टोबियस के रीमैच देखने को मिले, ताकि गाइस अब तो हमें पता है ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो अब जो है फैंस चाहते हैं कि एक चैंपियन ऐश वर्सेस टोबियस की बैटल एंड इस बार हम देखना चाहेंगे कि कौन जीतता है। एंड गाइस अगर इस 11 एपिसोड की सीरीज के अंदर ऐश वर्सेस टोबियस की अगर रीमैच हुई
तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम मेमोरेबल बैटल होगी, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बैटल होगी। लेकिन गाइज इसको लेकर गाइज चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज टोबियस को मुझे लगता है लगभग पोकेमॉन वालों ने गायब ही कर दिया है। सो ये अगर ये चीज़ हुई तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये चार थिंग्स थी, यानी कि ये चार चीज़ें थी जो कि पोकेमॉन फैंस एंड पर्सनली मैं भी चाहता हूँ पोकेमॉन के 11 एपिसोड की सीरीज के अंदर हो। इससे गाइज और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं किसी और वीडियो के अंदर बता दूंगा, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपके क्या लगता है गाइज, आपकी कुछ अलग मतलब आपके मतलब कुछ अलग अगर सोच होगी, कुछ अलग थिंग्स है, यानी कि अगर कुछ अलग सोच है जो कि होनी चाहिए 11 एपिसोड की सीरीज के अंदर, तो कमेंट्स के अंदर बता देना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।